नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चीन की शह पर भारत की जासूसी। चीन सरकार के शह पर एक समूह एक दशक से भी अधिक समय से भारत में सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच बनाकर उसकी जासूसी कर रहा था। चीन साइबर सुरक्षा प्रदाता समूह फायर आई ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि सिंगापुर स्थित एपीटी 30 नामक समूह ने संभवतः गोपनीय सरकारी नेटवर्कों व अन्य नेटवर्कों तक स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन के जरिए पहुंच बनाकर उनकी टैपिंग की। फायर आई के भारतीय ग्राहकों में भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा कंपनी तथा एक भारतीय दूर संचार कंपनी भी शामिल है। चीन ने हालांकि इस दावे का खंडन किया है। मोदी ने कहा, भारत के पास है ग्लोबल वार्मिंग का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन गैस उत्सर्जन के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत से सवाल करने पर विकसित देशों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि रियूज और रिसाइकलिंग हमारे डीएनए में है। मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि हमने अपनी बात सीना तान कर विश्व के सामने नहीं रखी और दुनिया हमें डांटती रही कि कार्बन उत्सर्जन कम करो। जबकि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन देखा जाए तो हमारा सबसे कम है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले संकट का समाधान भारत की परंपराओं और परिपाटियों में है। ममता ने मोदी की विदेश यात्रा का मजाक उड़ाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि उन्हें पहले अपने देश और उसके लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अच्छे सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अच्छे सरकार का दृष्टांत ऐसा है कि 9 महीने में उन्होंने 11 विदेश यात्राएं की है। ममता ने कहा कि मुझे उनकी विदेश यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वे ज्यादातर समय विदेश में ही रहेंगे तो देश की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि आपको पहले अपने देश के बारे में जानना होता है, उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। बनर्जी ने मोदी पर भूमि विधेयक के बारे में झूठ बोलने और देश एवं किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।